आसमान से नीचे आया, जिस आसमान से मैं गुजरा, नीचे नहीं, जिस आसमान से मैं गुजरा, वहां के फरिश्तों ने कहा, या रसूल अल्लाह अलैक बिल हिजामा, अलैक बिल हिजामा, या रसूल अल्लाह हिजामा करवाइए, हिजामा करवाइए। सातों आसमान के फरिश्तों ने कहा, या रसूल अल्लाह हिजामा। हिजामा क्या होता है? कपिंग, जिसको आजकल कपिंग, थोड़ा थोड़ा हमारे मुल्क में भी इसका रवाज हो गया है। ये जितना टॉक्सिन है ये खाल के नीचे बारीक रगों में जमा होता है, गंदा खून। मेरे नबी क्या करते थे? ऐसे कप होते थे, वो तो चमड़े के होते थे, तो उसमें वैक्यूम पैदा करके और उसको यूं लगाते थे, फिर वो वहां जम जाता था और खाल उभर आती थी, फिर उसको हटा के वहां कट लगाते थे किसी चीज से, आज ब्लेड है, कट लगाकर हल्के हल्के, फिर उसको वैक्यूम बना के फिर यहां गाड़ देते थे, तो उससे जितना गंदा जहरीला खून है वो निकल के उस कप में आ जाता है, फिर उसको फेंक दिया जाता है। इसको कहते हैं हिजामा। और कमर के सेंटर में एक पॉइंट है जहां हदीस में आता है 70 बीमारियों का इलाज यहां कप लगवाना है, 70 बीमारियों का इलाज यहां कप लगवाना है। ये मेरे नबी के ने हर आसमान में फरिश्तों से सुना, ढूंढो तलाश करो। अब लाहौर में भी ये सिलसिला है, ये तुम डॉक्टरों के जान, डॉक्टरों से जान छूट जाएगी अगर आपने मेरे नबी वाला तरीका शुरू कर दिया। हिजामा, गिजा, समोसे पकोड़े ना खाओ, दही भल्ले ना खाओ, और ये ड्रिंक ना पियो, और ये रोस्ट बरोस्ट ना खाओ, गिजा सादा रखो, हिजामा करवाओ, तुम्हें अल्लाह बीमारियों से निजात दे देगा, तुम्हें डॉक्टरों से निजात दे देगा। मेरे नबी का तर्ज ताम, तर्ज खुराक, तर्ज इलाज। आपने आखिरी सफर में भी कपिंग करवाई, आप जब हज पे जा रहे थे तो आपने यहां कप लगवाए, यहां यहां बन गए रास्ते में, ए यहां इस जगह, ये आपका आखिरी हिजामा जो आपने सफर में करवाया था। तो आपकी मुस्तकिल आदत थी कि आप हिजामा करवाते थे, कपिंग, वो खून निकालते हैं, सारा बॉडी का खून गंदा बाहर निकल जाता है और पूरा जिस्म फ्रेश हो जाता है, बगैर दवाओं के अल्लाह शिफा ही आप कर देता है। गिजा सादा खाओ, रात को जल्दी सोवो, सुबह जल्दी उठो। मैं पूरी दुनिया, अभी अफ्रीका के 8 मुल्क पसमांदा, 5 बजे के बाद बाजार बंद होते हैं, यहां रात 9 बजे शॉपिंग के लिए निकलते हैं। मेरे रब ने रात सोने के लिए बनाई, दिन काम के लिए बनाया। इतनी नहुसत है कि 12 बजे तक बाजार नहीं खुलते, 11 बजे तक बाजार नहीं खुलते। मेरे